पिंटू चाचा याद हैं? अरे सबके एक पिंटू चाचा या शिबू मामा होते थे, आपके भी रहे होंगे। पिंटू चाचाओं की खासियत होती थी कि वो किस्से ऐसे सुना देंगे जो आपने अपनी आंख से कभी ना देखे हो। जैसे वो ये बताएंगे कि गोलाइंदावरा में आम के पेड़ पे ऐसी बिजली गिरी कि 4 दिन तक पेड़ धुधुआ के जलता रहा और उनके अलावा किसी की पेड़ के पास जाने की हिम्मत तक नहीं थी। वो ये भी बता देते थे कि वो उस आग में खिचड़ी भी बना लेते थे, छौंका लगाते थे अलग। अब हम पिंटू चाचा जैसे कहानी तो नहीं सुना सकते, एक वीडियो दिखा सकते हैं। बिजली पेड़ पर गिरी है, आग भी लगी है, पिंटू चाचा के बताए जितनी तो नहीं लगी है, पर बलिया के बांसडीह का ये वीडियो है जो चल खूब गया है। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। सीआईडी के इंस्पेक्टर विवेक याद हैं? अचानक चर्चा में क्यों आ गए? इस वीडियो को देख के बताइए ऊंट गलत है या मगरमच्छ। बारिश के बीच आए दिल जीतने वाले दो वीडियोज की बात करेंगे और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात, इससे ईमानदार व्लॉगिंग नहीं देखी होगी। सीआईडी वाले इंस्पेक्टर विवेक याद हैं आपको? जैसे दया का असली नाम दयानंद था, वैसे ही विवेक का असली नाम विवेक मशरू था। अभी हाल ही में विवेक की एक पुरानी तस्वीर इंटरनेट पर घूमने लगी क्योंकि एक यूजर ने उनकी एक तस्वीर डाली और कैप्शन दिया, इफ यू नो हिम योर चाइल्डहुड वाज ऑसम। 5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने यह ट्वीट देखा। फिर सीन में आए विवेक मशरू, ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने थोड़ा बहुत जो कुछ काम किया है उसके लिए आपकी जो काइंडनेस, लव, अप्रिशिएशन है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ इसको, आपके लिए अनंत कृतज्ञता और प्यार हमेशा रहेगा। ऐसा इन्होंने ट्वीट किया, ये भी हो गया वायरल। तमाम मीम पेजेज पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम की उनकी तस्वीर और ट्वीट्स की, उस वाले ट्वीट के स्क्रीनशॉट की लाइन लग गई। उनका जो बदला हुआ रूप था यानी नई तस्वीर, वो भी वायरल होने लगी। इस बीच एक ट्वीट और चला एक लड़की का, मोनिका शर्मा नाम की यूजर ने लिखा कि ये मेरे भाई के कॉलेज में प्रोफेसर हैं, मजाक नहीं कर रही हूँ। इस ट्वीट को भी 20 लाख लोगों ने देख डाला। फिर खबर चली तो ये सवाल चलने लगे कि वाकई विवेक अब कहाँ है, क्या कर रहे हैं। किसी ने कहा कि बेंगलुरु में है। सवाल हुए कि क्या वाकई में प्रोफेसर हैं। जवाब आया लिंक्डइन से, पता लगा कि सच में बेंगलुरु में है, CMR यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमन कोर करिकुलम के डायरेक्टर हैं। क्या बायस्ड हैं? क्या एक पार्टी को कम कोसते हैं, दूसरी को ज़्यादा, भले ही दोनों देश का उतना ही बट्टा लगा रही हूँ? छोड़िए, इस सवाल का जवाब मत दीजिए, जवाब के लिए हम मैच्योर नहीं हैं। क्या आप भी खाना खाते हुए अपने एक तरफ के दांतों को टेस्टी चीज़ें खिलाते हैं और दूसरे साइड के दांतों को हल्का आइटम? क्या आप भी नर्जियों पर शेर को हिरण का शिकार करते हुए देखते हैं तो एक टीम पकड़ लेते हैं? तो ये मामला देखिए और बताइए यहाँ कौन सही है और कौन गलत। वैसे मामला तो बस इतना ही है कि एक मगरमच्छ ने ऊँट का शिकार करना चाहा और ऊँट भाग लिया, पर सवाल तो हम पूछेंगे। और ये बात तो ललन टॉप वाले आजकल गृह मंत्रियों के आगे भी कह देते हैं, जिसको पता है उसको पता है। बात राजस्थान के कोटा की चंदलोई नदी के किनारे की है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आदिल सैफ के कैमरे में ये घटना कैद हुई। दो ऊँट पेड़ की पत्ती खा रहे थे नदी किनारे, तभी एक मादा मगरमच्छ ने एक ऊँट पर हमला करना चाहा, दांत उसके पैर में लगे, ऊँट छटक के भाग गया। अब आप साइड लो कौन सही था कौन गलत। भले मगरमच्छ अपना पेट भरने के जुगाड़ में था, पर आपको लगेगा वो गलत था, शिकार करना चाह रहा था। लेकिन अब आगे कहानी सुनिए। मगरमच्छ ने रेत में अपने अंडे दिए थे, उसको लगा कि ऊँट से उसके बच्चों को खतरा है अंडों को, इसलिए उसने हमला कर दिया। देखा है ना बायस्ड। इस हफ्ते खूब चले कुछ वीडियोज की बात करते हैं। चूल्हा जलता रहेगा, देश बढ़ता रहेगा, इस कैप्शन के साथ मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपलोड किया था एक वीडियो। जानकारी ये दी कि बिपरजॉय के समय इंडेन के एक कर्मचारी ने बाड़मेर के गांव ढोक में पानी भरे होने के बावजूद घर तक LPG सिलेंडर की डिलीवरी की थी। बता दें कि बाड़मेर में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो लोग बहुत परेशान हुए थे पानी से। इस बीच उम्मीद वाला ये वीडियो लोगों को तसल्ली देने का काम कर गया। बारिश की बात चली तो बात एक और बरसात की कर लेते हैं। ट्विटर पर एक वीडियो चल रहा है, बिना सोर्स या क्रेडिट के चल रहा है, इंस्टा से आया हुआ लगता है। एक बाइक पर एक लड़का और एक महिला बैठे हैं, पानी बरस रहा है और महिला ने एक बैग जैसी चीज से लड़के के सिर को ढक रखा है। लोगों ने समझा ये माँ और बेटे हैं, माँ ने बेटे को बारिश से बचाने के लिए ये कोशिश की है, इसीलिए कोई उसकी जगह नहीं ले सकता। इस टेक्स्ट के साथ वीडियो चला और कैप्शन आया कि
माँ किसी की भी जगह ले सकती है, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। आज आपको दिखाएंगे एक अकाउंट और एक वायरल रील। रील और वायरल साथ में आते हैं तो लगता है कोई क्रिंज कंटेंट होगा, हाहाकारी किस्म की बेजा एडिटिंग से भरा होगा, लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं, अच्छा कंटेंट भी है इंस्टाग्राम पर। इस रील के क्रिएटर हैं हर्ष माहेश्वरी। मिली जानकारी के मुताबिक वंडर मैन थॉम्पसन गुरुग्राम में है ये। यहाँ पे ये क्या है, एग्जीक्यूटिव क्रिएटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव बोलने में ऐसा फंसता हूँ। खैर, इंस्टाग्राम पर इनका हैंडल है HRSHMHSHWRI। इस नाम से 4 दिन पहले इन्होंने एक वीडियो डाला। जिम कॉर्बेट गए होंगे घूमने के लिए। अब इतने लोग जिम कॉर्बेट जा चुके हैं कि जिम का भी मीम हो गया है कि टाइगर कॉल के नाम पे बुद्धू बनाया जाता है, दिखता दिखता कुछ नहीं है। थोड़ा उसके मजे लेते हुए और थोड़ी अपनी कलाकारी के छिड़काव के साथ इन्होंने एक वीडियो बनाया। वीडियो में क्या है वो आप देख ही लेंगे। कॉमेंट बॉक्स में लोग जो कह रहे हैं वो सुनिए। एक ने कहा, इतने प्लॉट ट्विस्ट तो मेरी लाइफ में भी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता वाले सटल पंचेज और मजे के फैंस हैं तो इनका अकाउंट फॉलो कर सकते हैं। बाकी देखिए वो वीडियो जो 4 दिन में 16 लाख लोग देख चुके हैं। सबने बोला था कि जिम कॉर्बेट में शेर नहीं दिखेगा, तो सबसे पहले तो उन सबको मेरी एक्सपेक्टेशंस लो करने के लिए थैंक्स, क्योंकि लाइफ हो या जंगल सफारी, लो एक्सपेक्टेशन रखो तो मजे से कट जाती है। मैं तो सोच कर ही आया था कि होटल का पूल तो साफ होगा ही नहीं, बच्चा तो शांत होगा ही नहीं, मौसम तो अच्छा होगा ही नहीं, बस फिर क्या था, बंदर सियार जंगली सुअर हिरन तितली, तपती धूप में मुझे तो ये सब देखकर भी मजे आ रहे थे। तभी शेर आया, मेरा मतलब है मेरे मन में शेर आया, पर मैंने सुनाया नहीं क्योंकि ड्राइवर ने चुप रहकर बंदर और हिरन के अलार्म कॉल पर ध्यान से कान लगाने को कहा था। कहा था जब वो शेर देखते हैं उनकी फटती है वो चिल्लाते हैं, पर इन्होंने 2 दिन चूं तक नहीं किया। कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे दीमक की अद्भुत कंस्ट्रक्शन जिसकी साइंस पर बुर्ज खलीफा बनाए देखते हुए बाहर निकल ही रहे थे कि प्यास लग गई, मुझे नहीं इन्हें। बाकी आज के सोशलिस्ट में इतना ही, अब मुलाकात होगी सीधे सोमवार को, तब तक के लिए हम चले टाटा। एक जरूरी सूचना, ललन टॉप के अंतरराष्ट्रीय फैंस के लिए न्योता है। सौरभ द्विवेदी निकले हैं यूरोप यात्रा पर, जहां वो करेंगे दर्शक मीट। अगर आप मिलना बतियाना चाहते हैं तो जगह और डेट नोट कर लीजिए। 25 जून को वो होंगे स्वीडन स्टॉकहोम में, 28 जून जर्मनी बर्लिन में, 1 जुलाई चेक रिपब्लिक प्राग में, 2 जुलाई ऑस्ट्रिया वियना में, 5 जुलाई स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में। अगर आप मिलना बतियाना चाहते हैं तो ltadda@ललिनटॉप.com पर आप मेल कर सकते हैं।